खाद कैसे तैयार हो, जैसे हमने अब पौधे लगाने हैं टमाटर के, बैंगन के और हरी मिर्ची के, तो खाद तैयार कैसे हो ताकि हमारे पौधे ठीक ठाक बड़े अच्छे से चलें। तो हमें पहले तो गिल्ली मिट्टी ऐसे ले लेनी है। गिल्ली मिट्टी लेके कोई भी गार्डनिंग सॉइल हो, कोई भी मिट्टी हो, वो थोड़ा देख लें कि मिट्टी बहुत कंकर ना हो, उसमें पत्थर ना हो, बहुत ज़्यादा रेतीली ना हो, जैसे राजस्थान में कुछ मिट्टी होती है रेतीली, तो वो मिट्टी ना हो। और फिर उसके अंदर कुछ खाद, जैसे हम कहते हैं वर्मी कंपोस्ट, उसको कहते हैं केंचुआ खाद, तो वो केंचुआ खाद ऐसे उसके अंदर थोड़ी मिक्स कर लें, और केंचुआ खाद इस मिट्टी के अंदर ऐसे मिला लें। वो मिट्टी की मात्रा के हिसाब से, जैसे ये मैंने 2 ट्रे का मटेरियल तैयार किया है, जो वाइट ट्रे बड़ी है, उसके हिसाब से तो आप 3 बुक ऐसे भर के पूरे हाथ में, या और कोई आप मेजरमेंट ले सकते हैं, मैं अंदाजे से ही ऐसे डाल रहा हूँ। तो ये हो गई केंचुआ खाद। और इसके बाद नीम खली, नीम खली जो है वो इतनी खाद में इतना काफ़ी है। नीम खली होती है नीम की, जो निमोलियाँ हैं उससे बनी होती है, और ये इसमें बड़े पौष्टिक तत्व होते हैं जो ज़मीन को, मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं, पौधों को भरपूर मात्रा में खुराक देते हैं। थोड़ी सी मैं और डाल देता हूँ इसमें, तो ये आप मिट्टी की मात्रा के हिसाब से ऐसे इसको तैयार कर सकते हैं, और फिर इसको इसके अंदर मिक्स कर देना है किसी भी चीज़ से, जो भी आपका मिक्स करने का मटेरियल है उससे आप इसको मिक्स कर दें। फावड़े से कर दें, हाथ से कर दें, थोड़ी मिट्टी है तो किसी भी चीज़ से इसको अच्छे से मिक्स कर दें, और जैसे ही ये मिक्स हो जाएगी तो फिर आप खाद, ये तैयार है। और इसको अभी हम इस वाइट वाले गमले में डालेंगे, ट्रे में डालेंगे, और फिर हम इसमें लगाएंगे बैंगन के और टमाटर के, हरी मिर्ची के पौधे। ये खाद तैयार है। ऐसे हम अच्छे से खाद तैयार कर सकते हैं जो कि उपजाऊ होती है हमारे पौधों के लिए, और सही से हमारे पौधे चलते हैं इस मिट्टी में, खाद में, तो अच्छे से मिट्टी और खाद का मिश्रण जो है वो अच्छे से हम कर लें।